केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज पटना में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा हैं। केंद्र ने बिहार को बजट में जो प्राथमिकता दी है उससे विपक्षी पार्टी के नेताओं को नींद नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि बिहार को लेकर आज देश भर में चर्चा हो रही है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री ने बिहार के विकास और बिहार के सम्मान को प्राथमिकता दी है। इसके लिए 1121 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो इस प्रकार से इस बजट में स्पष्ट रूप से है कि केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के द्वारा वित्त मंत्री जी की ओर से जो बजट 2024 में दिया गया उसमें देश की तरक्की है, बिहार की उन्नति है, युवाओं को रोजगार देने वाला है, किसानों का कल्याण करने वाला है, महिलाओं को सम्मान के साथ साथ उनको बहुत सारे अवसर प्रदान होने वाला है, जो महिलाएं भी हमारी माँ बहनें भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके, गरीबों को अच्छी जिंदगी जीने का अवसर देने वाला है। तो यह बजट ऐसा है जो साबित करता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के मसीहा है और विकास के भगीरथ है।